गायक उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने मुंबई के अंधेरी में अपनी मर्सिडीज कार से ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण ऑटो चालक और उसमें सवार एक महिला घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आदित्य ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की। पुलिस ने आदित्य का मेडिकल टेस्ट भी कराया। रविवार दोपहर की इस घटना के सिलसिले में आदित्य के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 10,000 रुपए के निजी मुचकले पर जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया। आदित्य पिछले साल रायपुर में एक एयरलाइंस के कर्मचारी को धमकी देने के लिए चर्चा में आए थे। वे सामान के लिए अतिरिक्त फीस लेने पर एयरलाइंस के कर्मचारी से भिड़ गए थे। वहीं इससे पहले 2011 में भद्दे कमेंट्स करने के लिए एक लड़की ने आदित्य को थप्पड़ जड़ दिया था। आदित्य 1946 में मासूम सहित कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। फिल्म शापित में आदित्य ने एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं आदित्य लंबे वक्त से सिंगिंग रियलिटी शो होस्ट कर रहे हैं। वायरल केडा न्यूज़।